खंडवा का यह दुर्भाग्य ही माना जाएगा जहां पर 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल होने के बावजूद शहरवासियों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। आए दिन पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन चक्का जाम तक की नौबल आ जाती है, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर जूं तक नहीं रेंगती। नगर निगम केवल कागजों पर जल वितरण कर रही है। आज भी शहर के 15 से अधिक वार्डों में पानी की समस्या है, जिसको लेकर आज खंडवा नगर निगम कार्यालय में खंडवा की आवास द्वारा ठेले पर पुतला रखकर जिसे कुंभकर्ण का नाम दिया गया है। इस अनोखे प्रदर्शन को देख लोगों ने भी कहा कि अब अति हो गई है। लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि अब जनता आने वाले चुनाव में नेताओं को आईना दिखाएंगे। असल में पिछले 15-20 सालों से खंडवा की जनता पानी की समस्या से त्रस्त है और 200 करोड़ की नर्मदा जल योजना खंडवा में इसको देखते हुए लाई गई, परंतु ये पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसी तारतम्य में हमने आज से 17 तारीख को बेशरम के पौधे भी नगर निगम में रोपे थे। उसके बाद अगले चरण में हमने आज कुंभकर्ण की नींद, जिसको हमने इसका टाइटल दिया है, जिसमें हमने कुंभकर्ण को नगर निगम का रूप दिया है और इसके ऊपर हमने पैसे डाले हैं। वो पैसे इस बात का संकेत है कि ये कुंभकर्ण भूख में पैसे खाता है, लेकिन उसके बाद भी ये नींद से नहीं जाग पा रहा है। पैसे खाने का मतलब बिजबा के द्वारा कि बिजबा ने 200 करोड़ रुपए यहाँ नगर निगम से लिए भी हैं, परंतु पूरे शहर की जनता को पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहा। पूरी शहर की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। हमने ये विरोध नर्मदा जल को लेकर किया है, जो 200 करोड़ की योजना थी, करीब 200 बार ये योजना फूट चुकी है और खंडवा में करीब 50 वार्ड है। 50 वार्डों में से करीब करीब 40 वार्डों में पानी नहीं आ रहा और आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। इस हमने इसका विरोध करने का हमने कुंभकर्ण की नींद में हमने एक व्यक्ति को हमने थैले पे उसको रैली निकाली है कि इतने पैसे होने के बाद भी 200 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अगर खंडवा में पानी नहीं आ रहा तो मतलब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो हमने नकली पैसे से और नकली पाइपलाइन के थ्रू हमने विरोध प्रदर्शन किया। हमने नकली नोट हमने कुंभकर्ण को हमने भेंट करे हैं क्योंकि यह नकली पाइपलाइन खंडवा में बिछी हुई है। ये कई जगह की शिकायत सही भी है कि पानी की समस्या हो रही है लाइन फूटने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा है। ये शिकायत बिल्कुल सरासर गलत है। शहर के कई क्षेत्रों में पानी आ रहा है और अभी इस हफ्ते में 3-4 बार पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण, टूट जाने के कारण में पानी सप्लाई बाधित हुई है, जिससे लोगों को समस्या हुई है। लगभग हमने दुरुस्ती का काम पूरी तरह से करा लिया है। एक दो जगह और लीकेज है, वो भी हम जल्दी से जल्दी ठीक कराएंगे ताकि शहर में पानी पर्याप्त मात्रा में और साफ मिल सके, लोगों को समय पे मिल सके। इसकी